तो गाइज़ फिल इन द ब्लैंक्स, आज का जो किरण से शो है आपका वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसके बारे में पहले भी कई बार मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आज फिर बना रहा हूँ। यस, अभी तक मैंने इसकी वीडियो जो बनाई वहाँ मैं आपको 115 सेंटेंस तक सोल्व करवा चुका था, आज बारी है 116 सेंटेंस से आगे की। चलिए गाइस, बिना समय गवाए अपने आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो का भी टारगेट मैं रखता हूँ 100+ लाइक का। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, ये टारगेट आपका है, बुक को फिनिश करने का टारगेट मेरा, बस आपको सपोर्ट करना है गाइस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। कह रहा है कि आर यू रियली डिज़ायरियस डैश विजिटिंग जापान। तो गाइस यहाँ पे डिज़ायरियस जो है आपका वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि जाने की इच्छा रखना कहीं पे, और ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन लेके चलता है अपने साथ में ऑफ। क्या लेके चलता है अपने साथ में? ये ऑफ। तो यहाँ पर फिक्स है कि आपका ऑफ ही आना चाहिए, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स एग्ज़ाम में 5 आएंगे कम से कम, एसएससी स्टेनों में, और बाकी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं। अगर इस बार एसएससी स्टेनों का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहें ये लोग, तो इस बार चेंज कर सकते हैं, जो मुझे भी लग रहा है चेंज होगा, जहाँ पर PQRS की संख्या 5 बढ़ सकती है। क्लोज टेस्ट और पैसेज जो आपका 35 मार्क्स का रहता था वो इस बार 30 मार्क्स का रख के वो PQRS को 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे गैप फिलर्स वगैरह को भी 5 मार्क्स का बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसा भी होगा वो तो आपके सामने होगा, लेकिन मुझे लग रही है उम्मीद कि इस बार पैटर्न कुछ इस तरह का रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि व्हेन इंडियंस फ्रॉम द साउथ मूव नॉर्थ दे फाइंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ऑन। तो गाइस यहाँ पे क्वाइट स्ट्रेंज, क्वाइट सेपरेट, क्वाइट डिफरेंट या क्वाइट डाइवर्जेंट। तो गाइस यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है स्ट्रेंज, मतलब अजीबोगरीब, जो कि एडजेक्टिव है आपका। दूसरा है सेपरेट, मतलब बिल्कुल अलग अलग होना किसी चीज़ से, ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है। डिफरेंट मतलब अलग बिल्कुल, और डाइवर्जेंट मतलब लोगों की मतों से बिल्कुल अलग राय। लेकिन गाइस यहाँ पे आगे फ्रॉम आने की वजह से आपका ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शन बढ़ गया डिफरेंट पर। डिफरेंट आपका उन शब्दों में से एक है जिसके साथ हमेशा फ्रॉम चलता ही चलता है। किस गाइस? तो फ्रॉम यहाँ पे फिक्स है आपका, डिफरेंट फ्रॉम, इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा बिल्कुल फिक्स। आगे बढ़िए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 118 पर। द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान पे बादल छाए हुए थे, वी डैश द स्टॉर्म विल सून ब्रस्ट। तो क्या यहाँ पे हमें उम्मीद लग रही थी कि स्टॉर्म जो है डैश जल्दी से ब्रस्ट में, यानी कि बारिश वगैरह बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे एक उम्मीद की अगर अर्थ में बात करें तो यहाँ पे आपके दो वर्ड है, एक तो है एक्सपेक्ट और दूसरा है आपका होप। यस, यहाँ एक्सपेक्ट जो है आपका वो एक वर्ब है, क्या आपका एक वर्ब, और यहाँ पर वर्ब की ही रिक्वायरमेंट है बिकॉज सब्जेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। पॉपुलेशन इंक्रीज डैश विद डिप्लेशन ऑफ फॉरन रिजर्वर्स हैज लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। तो क्या यहाँ पे फिर से एक आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन वर्क करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ पे आगे विद लगाया हुआ है, और विद आपका जॉइन के साथ में, मिक्स के साथ में, मिक्सा चल सकता है, एडेड के साथ भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको आना है कपले, यस कपल्ड। तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस चलते हैं आगे अगले सेंटेंस पर। द नेशनल एंथम इज डैश एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन। नेशनल एंथम जो है डैश किया जाता है सभी ऑफिशियल फंक्शंस में, तो अटर्ड, संग, विस्पर्ड या चैंटेड, तो इस संग गाया जाता है, बाकी सभी यहाँ पे जो मीनिंग है वो फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 122।
द डॉक्टर टुक आउट हिज डैश टू एग्जामाइन द पेशेंट। डॉक्टर ने अपना बाहर निकाला पेशेंट को एग्जामाइन करने के लिए। अब डॉक्टर के पास क्या होता है गाइस, होरोस्कोप यानी कि ज्योतिषी वगैरह फ्यूचर वगैरह देखने के लिए, माइक्रोस्कोप, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल होता है जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास होता है बच्चों स्टेथोस्कोप जो उसके गले में रहता है, इसको हिंदी में बोल देते हैं आला, धड़कन वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करंट। ये तो टूचा सेंटेंस था, इसमें कुछ खास दम भी नहीं था। 122 में कह रहा है कि द कैंडिडेट्स एक्सपोजिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शंस पे चलते हैं लेकर के बात को अपनी। तो यहाँ पे सिक्स आपका एक प्रपोजिशन आया हुआ है फोर। अब फोर को देखते हुए यहाँ पे मैं किस किस के लगा सकता हूँ ये देखना होगा, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री साथ आपका आएगा ऑन, तो फोर भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे ऑन इसके साथ ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में कॉन्स्पिशियस, इनकम्प्रीहेंसिबल आपके ये आ ही नहीं सकते, आपका वर्ड बनता है सिर्फ रिमार्केबल, और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 122 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट आपका है 123, द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवर्जन डैश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे द न्यू इंडिया दैट नेहरू लेड कॉल्ड इटसेल्फ अ सोवर्जन डैश अ सोवर्जन कैपिटलिस्ट जी नहीं, रिविजनिस्ट और पॉपुलिस्ट तो आपके वैसे ही नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सोशलिस्ट हो जाएगा ओनली, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। एक नाउन यानी कि एक ऐसी कंट्री जिसको गवर्न किया जाता है पार्टी के द्वारा, तो पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा। डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रीलिमिनरीज, यानी कि अगर तुम कठिन परीक्षा नहीं करोगे तो तुम प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाओगे, मेंस तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जिक्र उसने किया है, ये आपके कंडीशन उसने सेट कर दी। यस गाइस, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति के लिए हम लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो अंटिल और एक अनलेस। अंटिल लगता है हमारा समय के लिए, किसके लगता है समय के लिए कि यहीं खड़े रहना जब तक मैं ना आ जाऊँ, अंटिल। अब यहाँ पे अनलेस लगता है आपका कंडीशंस और शर्त के लिए जो यहाँ पे फिट बैठ रही है, जैसा कि वो कहना चाह रहा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर इवन द प्रिलिमिनरीज, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करैक्ट। तो गाइज जिन्होंने अभी अभी चैनल पर विजिट किया है और अभी अभी चैनल पर आए हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि वो सब्सक्राइब का रेड वाला बटन दबा दें, उसको ब्लैक कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि किरण बुक का फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पे हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है, और बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में, शायद ही किसी चैनल पर इतने अच्छे से कोई करा रहा हो। यस, बाकी आप लोग देखेगा, देख करके आपको पता चलेगा। यहाँ बहुत कम समय में हम लोग आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और गाइज लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि हमने इसका टारगेट रखा है 100+ लाइक का। ये काम आपके द्वारा ही संभव किया जा सकता है, इसको मैं अकेला नहीं कर सकता। यस गाइज चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में कह रहा है 125 में, लास्ट ईयर और कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीस। तो गाइज हमारी लास्ट ईयर जो है कंपनी ने डैश किया था। अब क्या क्या था लास्ट ईयर कंपनी ने, प्रॉफिट, गेन, राइज या रेज। तो गाइज यहाँ पे जो राइज और रेज है, पहले इनको समझो। देखिए राइज जब कोई चीज़ स्वयं उठ रही हो, अपने आप उठ रही हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं राइज का। जब किसी चीज़ को उठाया जाए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेज का, जैसे कि सूरज उगता है तो इसके लिए राइज। क्या होगा इसके लिए राइज, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपने हाथ ऊपर कर लो, इसके लिए रेज। अब गेन और प्रॉफिट आपके दो वर्ड बनते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर प्रॉफिट, क्योंकि एक नाउन है और नाउन की यहाँ पे आवश्यकता थी। लास्ट ईयर आवर कंट्री मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीस, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है 126, उसको देखते हैं। 126 आपका ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 31/11/2008 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हुआ है, यानी कि लगभग आज से 12 या 13 साल पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हुए हैं आपके, जो आपके आज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सॉल्व। और गाइस साथ ही साथ एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ ये जिस बुक से मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये मेरे पास पीडीएफ है एक,
कुछ लोगों के पास, क्योंकि किरण के जो हैं बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में हैं, 2013 तक, 2014 तक, 2012 तक, 2008 तक, ऐसे बहुत सारे 500 वर्जन किरण के मार्केट में हैं। तो अक्सर सभी बच्चों को, मुझे भी मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, बच्चे कहते हैं सर इस वाली बुक से कराइए, इस वाली बुक से कराइए, मेरे पास तो ये बुक है। देखिए मैं अकेला व्यक्ति हूँ और मैं सबकी मुराद तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि ये भी कम नहीं है सेंटेंस गैस, इसके अंदर लगभग 1200 से प्लस सेंटेंस हैं। अब आप बिल्कुल ये सोचें कि मेरी बुक वाले सेंटेंस मिल जाएं, सेंटेंस वही हैं ये, कुछ एक दो साल ऐड करके और एक दो साल हटा करके ये हर बार बुक उतार देते हैं अपनी, कुछ इसी तरह से ये करते आ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये सेंटेंस मेरी बुक में है या नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर सकता हूँ कि आप मुझसे इस वाले जिससे मैं करा रहा हूँ पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके 8279738238 पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। यस गाइस, तो यहाँ पर मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आप, 100% आपका सिलेक्शन होना है, बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ लगा दें आप, मैं आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। 126 सेंटेंस कह रहा है कि द फूड दैट एन एवरेज इंडियन ईट्स हैज़ बीन फाउंड टू बी डिफिशियंट डैश विटामिन एंड प्रोटीन्स, यानी कि वो खाना जो अधिकतर लोग इंडिया के खाते हैं उसके अंदर कमी रहती है विटामिन और प्रोटीन्स की, डिफिशियंट के साथ में आपका फिक्स प्रपोजन चलना है इन, और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। चलिए जी, द पेशेंट इज डैश ऑफ स्टोमक एक, तो यहाँ पे पेशेंट ने शिकायत की है उसको स्टोमक एक हो रहा है, सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है तो यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्सपीरियंसिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कंप्लेनिंग हो सकता है और एफ्लिक्टिंग भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट, कंप्लेनिंग। चलिए जी, 128, अ गुड टीचर शुड डैश रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द स्टूडेंट, तो अ गुड टीचर शुड डैश इलिक्ट जो पहला वर्ड है, प्रोवोक, तो यहाँ पे प्रोवोक तो आपका नहीं आएगा, कमांड भी नहीं जरूरत है, यहाँ पे इन्फर की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक ही वर्ड रहता है वो है इलिक्ट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। Had he taken his degree 5 years ago, he dash got a promotion by now, यानी कि अगर उसने अपनी डिग्री 5 साल पहले ली होती तो अब तक उसका प्रमोशन हो चुका होता, ये कहना चाह रहा है। सो गाइज डोंट बी वरीड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन कंडीशनल सेंटेंसेस इन आवर पेड कोर्स ग्रामर कंडीशनल सेंटेंसेस, वेयर आई हैव टॉट यू दैट If the sentence is started from had, subject and verb plus third form, then next sentence start from would have plus third form. This is the structure of a conditional sentence. Here we find had plus third form, but we don't find here would have. So here is option number second, would have. आप यहाँ पे would have लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वुड हैव ही करेक्ट। 129 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। देयर विल बी अ रश फॉर सीट्स व्हेन द ट्रेन डैश, तो सीट को लेकर के ट्रेन में जो है डैश हो रहा है, रश हो रहा है जब ट्रेन डैश हुई, जब ट्रेन चलनी शुरू हुई, यही सिंपल सी बात कहना चाह रहा होगा वो। यहां पर सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से, विल अराइव, अराइव्ड, इज अराइविंग, या फिर जो भी यहाँ पे गाइस सेंटेंस है आपका 130, सेंटेंस के 130 में क्योंकि उसने इस्तेमाल किया है विल का, तो मैं यहाँ पर अराइव्स ही लगा सकता हूँ और कोई ऑप्शन में है नहीं लगा सकता। देखिए ये भी एक रूल की तरह ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ES, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है सेंटेंस, तो दूसरे पार्ट में बनता है आपका सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर उसने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हमें दिया और हमसे पूछा ट्रेन आपका सिंगुलर है इसलिए मैंने यहाँ पे आपका अराइव लगाया। देखिए अराइव लगाऊंगा तो पास्ट चला जाएगा, यहाँ पे वुड होना चाहिए था, विल अराइव लगा नहीं सकता बिकॉज एक सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब नहीं आ सकते, जैसा कि आपको पता है एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये रूल है बच्चों। तो यहाँ पे विल बी और विल अराइव आपका नहीं आएगा, अराइव्ड लगाने से सेंटेंस पास चला जाएगा, इज अराइविंग नहीं लगा सकता, ये भी आपका रेस से बाहर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बचता है वो है आपका अराइव्स, यानी कि 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट डैश, तो गाइस यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन टैग, क्या आपका ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में
सेंटेंस का सब्जेक्ट की जो वर्ब रहती है उसी वर्ब के साथ में हमें शुरू करना पड़ता है अपना क्वेश्चन टैग का पार्ट भी। जैसे कि उसने कहा, मैंने कहा आपसे आई लव इंडिया, अब मुझे दिख रहा है कि लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लोग लगाते हैं डू, तो यहाँ पर लगाएंगे डोंट आई। क्या लगाएंगे? डोंट आई। उसने कहा शी हेल्प द पुअर, सुनिएगा मैं लिख नहीं रहा हूँ, शी हेल्प द पुअर, तो हम लोग लगाने वाले हैं डिंट शी। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिंट शी। उसने कहा यू इंजॉयड, या फिर यू हैव विजिटेड अमेरिका, हैवंट यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैवंट यू। इसी तरह से यहाँ पे उसने ड्रॉ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिंट ही, क्योंकि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव, हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा नेगेटिव, यही रूल है। अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, इस बात ध्यान रखिए। तो यही आपका रूल है, यहाँ पे बन जाएगा आपका डिडंट ही। क्या बनेगा आपका? डिडंट ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 132 देखिएगा, ही डैश वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? ही डैश वांट्स टू सक्सीड मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, हूएवर, होम, हु या हुज। अब यहाँ पे गाइज सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तो है आपका होम व्यक्तियों के लिए और एक है आपका हु व्यक्तियों के लिए, हूएवर आपका नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखें। अब ऐसे में आप लोग ये ध्यान रखें कि होम आपका एक ऑब्जेक्ट है और होम आपका एक सब्जेक्ट है, होम आपका एक सब्जेक्ट है, यानी कि इसको वर्ब चाहिए उसे वर्ब नहीं चाहिए, बस ये बात ध्यान रखें। अब इस सेंटेंस में आप ये देख लीजिए क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ब है या नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सेंटेंस में एक वर्ब है वांट्स, चलिए इसे तो मैं ही की मान लेता हूँ। अब मुझे एक्स्ट्रा वर्ब ढूंढनी है यहाँ पे, क्या वर्ब है? टू सक्सीड को आप वर्ब नहीं मान सकते बिकॉज ये प्रपोजिशन के बाद है, इसका सेंटेंस में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद में इन लाइफ, ये तो खैर वर्ब वैसे भी नहीं है। हाँ मुझे एक वर्ब दिख गई, वो है मस्ट बी प्रिपेयर्ड, तो ये आपकी हु के लिए ही रही होगी, इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 133, इट इज़ टाइम यू डैश होम। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी याद होगा, रात मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कॉमन एरर की, यस गाइस। तो उस कॉमन एरर में मैंने आपको बहुत कुछ सेंटेंस सोल्व कराए, कल मैंने आपके लिए लगभग 50 मिनट से ऊपर का वीडियो था वो, जहाँ मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस कराए, यस गाइस। तो वहाँ पर मैंने आपको 55 सेंटेंस के आसपास कराए, उसमें एक रूल मैंने आपको बताया था इट इज़ टाइम का, इट इज़ टाइम के बाद वाला सेंटेंस जो है बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में। इट इज़ टाइम यू, बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, वेंट होम, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डैश अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में ही मुझे एक वर्ड चाहिए, यस गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत में मुझे एक वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर देखना होगा, ये तो कन्फर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत आपकी होगी जी रन से, किससे होगी? जी रन से, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि शुरुआत में जो वर्ड आया करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की पोजीशन पे चार चीज़ आप लगा सकते हैं। पहला है आपका नाउन, दूसरा है आपका प्रोनाउन, तीसरा है हमारा जीरंड, और फोर्थ है हमारा इन्फिनिटिव। क्या? हमारा इन्फिनिटिव। तो ये चार चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट की पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ना नाउन था ना प्रोनाउन, तो मैं यहाँ पर जीरंड लगाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर वॉक लगाया उसने, तो गो फॉर ए वॉक नॉर्मली बोल देते हैं हम लोग, गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक आपका हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे देखिएगा, कह रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट डैश द राइज इन प्राइस। तो गवर्नमेंट को डैश करना चाहिए जो बढ़ रहे हैं प्राइस, उसके लिए चेक, ये बैंक वाला चेक है आपका, चेक मतलब देखना, निरीक्षण करना। उससे अगला वर्ड है सीज, जब्त करने के लिए लगता है, उससे अगला वर्ड है सीज, ये दोनों ही, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। 136 सेंटेंस से आगे की बात करूँ, तो ये आपका स्टार्ट हुआ है एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज 14/11/2008 में आया हुआ। 10 सेंटेंस हैं यहाँ पे आपके लिए, देखते हैं इनको कैसे करें। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सामने आपके। कह रहा है कि वेन आई वॉज स्पीकिंग टू रानी ओवर द फोन सडनली वी वर डैश। जब मैं रानी से बात कर रहा था फ़ोन पर, सडनली वी डैश, तो यहाँ पे बच्चों सडनली हंग अप, यानी कि किसी को टालना, रन आउट, किसी का ख़त्म हो जाना, ब्रोकन डाउन, किसी का फेल हो जाना, और कट ऑफ, बाधा पड़ना बीच में, कट जाना वगैरह, तो इस तरह से कनेक्शन कर जाना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट।
द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मैनी सर्वेंट्स, तो फार्मर के पास जो है डैश लैंड है और मैनी सर्वेंट्स। तो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया एंड का, अगर यहाँ पे एंड की जगह बट होता तो समझो विरोधाभास है, तब मैं यहाँ पे वेरी लिटिल का इस्तेमाल कर रहा होता। लेकिन एंड आपका सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कि उसको एडिट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, उसको एक्स्ट्रा दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर द फार्मर हैड अ लॉट ऑफ लैंड, अ लॉट ऑफ लैंड, क्योंकि मैनी और सम का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, काउंटेबल के साथ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट, अगर यहाँ पर बट होता तो वेरी लिटिल लैंड। चलिए जी, अगला कह रहे हैं कि द ट्राइब्स लीव्ड कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द इंग्लिश हैड एवर सीन। तो यहाँ पे लीव ऑन मतलब निर्भर होना, किसी चीज़ पर आश्रित होना, खाने वगैरह के लिए लगता है। लीव बाय किसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, तो लीव ऑफ और लीव विद तो आने से रहा, तो आप इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट बाय। चलिए जी आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 139। द क्रिमिनल टुगेदर विद हिज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड। तो गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो कॉमन एरर के दौरान मैंने आपको कल पढ़ाया कि जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, किससे, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज, रेदर देन, एंड नॉट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो इन शब्दों से, तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। और यहाँ पे पिछला सब्जेक्ट आपका द क्रिमिनल, द क्रिमिनल को देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, वॉज आर तो आने से रहा, वर आने से रहा, हैव आने से रहा, एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, आँख मिच करके आपको वही लगाना होगा। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका सिंटैक्स है, किससे है ये आपका सिंटैक्स है। हालांकि ग्रामर के पेड कोर्स में मैं सिंटैक्स नाम का लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरा पेड कोर्स लिया है उन्होंने यह लेक्चर देखा होगा, जो भी क्लोज टेस्ट के ये भी लेक्चर देख रहे होंगे। लेकिन गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी दिन पहले सिंटैक्स नाम का स्पेशल लेक्चर मैंने अपने नोट्स से यूट्यूब पर अपलोड किया था, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट में पढ़ा होगा सिंटैक्स नाम का लेक्चर हमारा, उसके से 7-8 दिन पहले की ही बात होगी, दिवाली से पहले शायद मैंने अपलोड किया था। आप जाइए और उसको देखिए, आनंद लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा वॉज, सिंटैक्स नाम का लेक्चर देखिएगा, और जिसको लेना हो पेड कोर्स ग्रामर का उसको ले सकता है। बहुत महंगा कोर्स हम लोगों ने नहीं बनाया है, आप लोगों के लिए बहुत सस्ते में, ओनली 599 में कंप्लीट ग्रामर और 5 बुक्स से करवाई है हमने आपको प्रैक्टिस भी। 5 बुक्स यानी कि आपके पैरामाउंट की एक बुक है, एसपी बक्सी की बुक है, उसके बाद में आपकी क्रिस्टोफर फोनिसर की बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की बुक है, 5 बुक से मैंने आपको उसमें प्रैक्टिस भी कराई है। यस गाइस चलिए फिर आज चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर 140 पे। बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश मॉर्निंग, जब मैं अमेरिका पहुंचा इट डैश मॉर्निंग, यानी कि डैश हो चुकी थी मॉर्निंग। तो कैसे आप ये भी आपका कंडीशन सेंटेंस है, सेंटेंस जो आपका ये कंडीशनल ही है, बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट वुड बी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग हो चुकी होगी। तो यानी कि गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब उसकी शादी हुई तो उसने जो है डैश किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। अब क्या किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को उसको देखते हैं। पहला है टुक अप, यानी कि लेना, यानी कि इकट्ठा करना, तो ये तो आपका आने से रहा। अगला वर्ड है आपका टुक आउट, जो कि मतलब टुक आउट मतलब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अपने साथ में ले जाना उसके लिए। उसके बाद में टुक इन, किसी को परमिशन देना घर में अंदर आने के लिए, और टुक ओवर यानी कि किसी के स्थान पर किसी को रख देना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली टुक आउट। इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, एनीथिंग हैज़ बीन डन, इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन, हैज़ एनीथिंग बीन डन। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगा आपका इन द लास्ट फ्यू डेज हैज़ एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम, तो यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट फोर्थ। While picking a rose, she dashed her hand on a thorn. तो
फूल तोड़ते समय उसका जो हाथ जो है थ्रोन यानी कि कांटों पर लग गया था, स्ट्रंग स्क्रैच्ड कट या डैमेज, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैच करेक्ट। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान, बच्चे ने जो है फादर्स के प्लान को अप्रूव नहीं होने दिया। यह है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक खेल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइज, अप्रूव के साथ में हमारी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो चलती है हमारी ऑफ, तो इसके साथ भी चलेगी आपकी ऑफ ही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, यह आपका क्वेश्चन टैक्स सेंटेंस है। जैसा सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसी लिहाज से बनाना होगा आपको क्वेश्चन टैग भी। अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस आपका ऑलरेडी नेगेटिव है बिकॉज उसने नन का इस्तेमाल किया है, यस, लेकिन उसने यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया है, तो आप वॉज से सेंटेंस को बनाएंगे और फूड को देखते हैं यहाँ पे लगाना होगा इट, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉज इट। क्या हो जाएगा? वॉज इट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं आगे के सेंटेंसेस पे। सेंटेंस नंबर 146 से 155 जो कि आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ है 2009 में। यस गाइस चलते हैं इसकी तरफ को आगे, और जो अभी अभी चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको बोल दूं कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर आपके लिए किरण बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने को मिले इतने बेहतरीन अंदाज में। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो किसी सेंटेंस को लेकर के, तो आप चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दें, लेकिन वहाँ पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जो कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था, आप वीडियो को देखेगा अपना ढूंढिएगा, ये काम आपका है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे एक बार अनाउंस कर दिया है। वी वार्न्ड हर डैश द डेंजर, हमने उसको वार्न कर दिया है डेंजर के डैश, तो डेंजर के प्रति, तो कहें यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि वार्न के साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो एट लगा सकते हैं, अबाउट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका अगेंस्ट। वी वार्न्ड हर अगेंस्ट द डेंजर, तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि वी लाफ्ड डैश द अफेयर, वी लाफ्ड डैश द अफेयर, तो यहाँ पे एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे लाफ अबाउट, क्या होता है लाफ अबाउट, टू चकल या फिर टू गिगल लाउडली, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, ये सेंटेंस फिर से वही आ गया आपका सिंटैक्स के नाम पे ही, सेंटेंस कनेक्ट हुआ है हमारा एज वेल एज से, किससे कनेक्ट हुआ है हमारा एज वेल एज से, तो मैं आपको बता चुका हूँ जब सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हो विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, रेदर देन से, एंड नॉट से, तो हम लोग लगाने वाले होते हैं वहाँ पे सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमारे पास दो ही हैं, एक तो ये और एक ये एज, तो यहाँ पे द चेयरमैन डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून, आप इसे ऐसे पढ़ें तो इज टू ब्लेम या फिर हैज टू ब्लेम, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे इज टू ब्लेम लगाएं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 149 कह रहा है कि द स्ट्रीट्स आर लाइट डैश इलेक्ट्रिसिटी, द स्ट्रीट आर लाइट बाई इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सेंटेंस जा रहा है पैसिव में, बी की फैमिली आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बस कमी किसकी है, वो है बाई की, सेंटेंस में आपका आ जाएगा बाय ही यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 150 सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे गाइस क्या कह रहा है, माय फ्रेंड्स फेल टू सी व्हाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज, तो गाइस यहाँ पे सॉरी माफी चाहूँगा मैंने यहाँ पे 151 सेंटेंस पढ़ लिया, 150 देखिएगा कह रहा है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स द डैश नीड फॉर ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम सर्जरी, तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब पे डिपेंड है आपका, जैसे कि पहला उसने लगाया कट ऑफ, कट ऑफ मतलब इंटरप्ट करना किसी को या रोकना किसी को बात करते हुए, अगला वर्ड है आपका कट आउट, कुछ काम करने से रोकना किसी को, कट डाउन कटौती करना किसी चीज़ में कमी करना, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कट डाउन, यानी कि थर्ड ही करेक्ट। 151 सेंटेंस देखेगा क्या कह रहा है वो, माई फ्रेंड्स फेल टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्स जस्ट बिकॉज आई हैव वन अ प्राइज, राइड यानी कि सवारी करना, तो ये एक आपका एडियम के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, राइड अ हाई हॉर्स यानी कि बहुत अच्छे या फिर बिहेव इन अ वे दैट शोज यू आर बेटर देन अदर पीपल, यानी कि अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाना, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाई। देखिए ये सेंटेंसेस इस तरह सेंटेंस आपको कर सकते हैं प्रशांत, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस आया हो तो बात भी है,
ग्रामर आई हो तो भी बात है, आपको यहां तो दिख रही ना, तो दिख रही है यहां पे ग्रामर और यहां पे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। ये था आपका इडियम्स पे आधारित सेंटेंस। अब इडियम्स पे आधारित सेंटेंस वही बच्चा कर सकता है जिसने इडियम्स को पढ़ा होगा बहुत ढंग से। जिसने इडियम्स को बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है उसके लिए नामुमकिन है इन सेंटेंस को कर पाना। इसलिए गाइस आपको यहाँ पर इडियम्स पे भी पकड़ बनानी होगी अपने साथ साथ, और साथ ही साथ आपको ग्रामर पे भी पकड़ बनानी होगी। जो सेंटेंसेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो इडियम्स पे आधारित था इस गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में मैंने आपको इडियम्स के आधार पर ये सेंटेंस कराया। तो इडियम्स के लिए मैंने आपका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, MB बुक से कंप्लीट इडियम है, जिसे चाहे तो आप जा करके आराम से देख सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और इडियम्स का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर, यस गाइस, इडियम्स का मतलब कंप्लीट लेक्चर सिर्फ 99 रुपीज़ में MB बुक से 23 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट किया है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर, फोन पे, गूगल पे या अमेजन पे करके। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे के सेंटेंस पे। कह रहा है कि बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस, 152 सेंटेंस। तो गाइस यहां पे 152 सेंटेंस में देखते हैं ऑप्शंस के आधार पर हम पे क्या दे रखा है। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल, यानी कि एक साथ होकर अगर स्ट्रगल हम करते हैं तो वी मे अचीव सक्सेस, हम लोग सक्सेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे भले ही आपको यू दिखाई दे रहा है लेकिन जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है ये यूनाइटेड। अब इसके लिए आप लोग यहाँ पे कम से कम एन नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा अ, यानी कि सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। शी फियर्ड दैट शी डैश, उसे डर लग रहा है कहीं वो डैश ना हो जाए। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के भाव को देखते हुए देखें, यहाँ पे नॉर्मली बच्चे, मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पता है कि संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे आप सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेक किया करें। सेंटेंस का फॉर्मेशन जो आप चेक कर रहे हैं वो दिख रही है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या दिख रही है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में आप लोग मे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा माइट का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल करना होगा माइट का, यानी किसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका थर्ड करेक्ट। तो गाइस इसी तरह से सेंटेंसेस को आगे बढ़ते हुए चेक करते रहे चले जाएँ, कोशिश करते रहें, आप लोगों का काम कोशिश करना है, बाकी काम तो ईश्वर कर ही रहा है। आगे सेंटेंस कह रहा है कि 154 में ही इज़ द मोस्ट जीनरस मैन आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक बहुत ही मोस्ट जीनरस मैन है जिसको मैं जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से। अब यहाँ पे न्यू सेकंड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। नो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ पे हैव नो का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सेंटेंस में आपका आया है 4+ टाइम। सिंस या 4+ टाइम हमारा जब भी सेंटेंस में आ जाए तो ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे सेंटेंस को? परफेक्ट में। तो यहाँ सेंटेंस को परफेक्ट में बनाना जरूरी था। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 155 में कह रहा है कि द सडन चेंज, क्या कह रहा है? द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज अ सरप्राइज टू मी, आई बिगेन डैश। अब गाइस यहाँ पे उसका जो अचानक से बिहेवियर में बदलाव आया मैं उससे आश्चर्यचकित रहा, आई बिगेन डैश टू कट अ सॉरी फिगर। देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि एडियम्स का कितना महत्व है यहाँ पर। देखिए एडियम्स आपके 5 नंबर के डायरेक्ट तो आने ही आने हैं लेकिन इनडायरेक्ट भी आपके आने हैं। यस, यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको वो एडियम्स दे रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ से मेरे से MB बुक का कंप्लीट इडियम कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में, जिसमें मैंने 23 वीडियोज़ में आपको कोर्स कंप्लीट कराया विद ट्रिक। अगर कोई इडियम याद कराया है तो वो ट्रिक से मैंने आपको याद कराया है। जैसे कि यहाँ पर पहला आइडियम है टू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि शर्मिंदा होना। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब शर्मिंदा होना। गाइस अगला जो हमारे पास है इडियम्स वो है हमारा टू स्मेल अ रेड, यानी कि संदेह होना। टू टर्न अ न्यू लाइफ, यानी कि नया जीवन प्राप्त करना। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि पक्ष और विपक्ष, यानी कि कभी गुस्सा होना कभी कुछ होना, इस तरह से। तो गाइस यहाँ पे सडन चेंज जो उसके बिहेवियर में आया है, मैं उससे जो सरप्राइज हूँ, आई बिगेन टू स्मेल अ रेड, यानी कि इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, यही मुझे बात करनी होगी भी समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दबा के शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैंने आपको आज टारगेट दिया है 100+ लाइक का, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है हमारा भी। गाइस
तभी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। गाइस चलते हैं, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।